जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है मोहित शर्मा और अभी तक हमने पीएमआई में जितनी टीम से बात करी है, कुछ हमने बड़ी टीम्स से भी बात करी जहां पर उनको जाना कि वो अंडरडॉग्स को कैसे सीखते हैं, कुछ हमने अंडरडॉग से बात करी जहां पर हमने जाना कि वो बड़ी टीम्स को कैसा देखते हैं। बट अब हम बात करेंगे एक ऐसी टीम से जिनके नाम के अंदर एस आता है, और वो भी एक ऐसी 4 A's टोटल एक चीज निकल कर आती है, दैट मींस के चारों के चारों जितने प्लेयर्स है वो एक हीरा निकल कर आए अपनी टीम के लिए। तो ऐसे प्लेयर्स से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इनका पीओवी क्या रहेगा, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, इनकी मेंटेलिटी क्या रहेगी पीएमआईएस को आगे लेकर जाते हुए। गाइस, व्हाई डोंट यू स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ फर्स्ट। हेलो, मेरा नाम डिवाइन है एंड माय ओरिजिनल नेम इज अमरनाथ एंड माई रोल इन द टीम इज सपोर्टर एंड अगर कंडीशन के अकॉर्डिंगली मैं स्विच कर लेता हूँ अपना रोल, लाइक मैं एंट्री फैकिंग भी कर लेता हूँ एंड सपोर्टिंग लाइक इज माई मेन रोल। मेरा नेम है आजम सिंह और मेरा इन गेम नेम है कैनोपी, फॉरेस्ट कैनोपी, और मेरा मेन रोल है असॉल्ट और मेरी फेवरेट गन्स AKM एंड M। मेरा नाम सुखप्रीत सिंह है, मैं मेरा इन गेम नेम फॉरेस्ट मानोपी और मेरा रोल IGL है और मेरा फेवरेट गन कॉम्बो है M4+AKM। लेट मी जस्ट यू नो, आप मुझे बताओ एंड सारी चीजें बताओ कि आपकी टीम फॉर्म कैसी हुई, कितने पहले फॉर्म हुई, तब से अभी तक क्या चेंजेस आपकी टीम में आए हैं, गेम प्ले वगैरह हर एक चीज। लाइनअप पहले था सेल्स का, मतलब सेल्स का जो आतंकी है ना उनका, उनकी जो पहली लाइनअप थी इन तीन, ये तीन बंदे उसी में थे। तो फिर लाइक मैंने इनको अपनी टीम में लिया एंड उसके बाद से हम लोग ने सारे कस्टम्स खेले, सारे प्रैक्टिस करे, मतलब हम लोग ने पहले ये सोच लिया कि यार इसके बाद से अपन कभी भी अपना टीम तोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी अप्स एंड डाउन्स रहे अपन साथ में रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। जो मैचेस होते हैं, बिकॉज मैच जब आप खेल रहे हो आपके सामने नोन टीम्स भी आ रही है, आपके सामने अंडरडॉग्स ऐसी भी टीम्स आ रही है जो एकदम से यू नो कॉम्पिटिशन अलग लेवल का दिखा रही है, तो आपकी स्ट्रेटेजीज और थॉट प्रोसेसेस क्या रहती है? मेरे को लगता है स्किल सबके पास होते हैं, स्प्रे लगाना, गाड़ी से निकालना, वो बस कोऑर्डिनेशन होती है कि जहां पर हम लगता है कि भाई बंदा वन ऑन वन निकालेगा। और जो बाकी अंडरडॉग टीम्स हैं जो अभी उठकर आई हैं, उनके कंपटीशन को आप कैसा देखते हैं अपने कंपैरिजन में? सभी टीम अच्छा खेल रही हैं, सभी जो नई टीम अंडरडॉग्स देखा है मैंने कि बराबर की टक्कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई फाइट नहीं अच्छे से ले रहे, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। और हमारी टीम का है कि हमारी गन फाइट अच्छी है, हम जब भी किसी टीम के साथ भी गन फाइट लेते हैं तो वो जीतते हैं, ज्यादा चांसेस जीतने के होते हैं, इसलिए हम थोड़ा रश को प्ले करते हैं। कोई एक नोन टीम और कोई एक अंडरडॉग टीम जो आपको लगता है बहुत अच्छी कंपटीशन दे सकती है, अगर आपको एक एक नाम लेने हो दोनों कैटेगरी में, नोन और अंडरडॉग? तो नोन टीम्स में से मैं तो बोलूंगा अपना TSM एंटिटी हो गई, पर अंडरडॉग्स बोलोगे तो इनसाइड आउट एक अच्छी टीम है एंड थानोस डेफिनेटली उनका नाम बहुत था डेफिनेटली, बट वो भी अंडरडॉग्स ही बोलेंगे। एनी मैसेज जो आप तीनों एक-एक करके अपने फैंस को देना चाहें, जो अभी आपकी एक नई फैमिली ग्रो हो रही है उसके अंदर? वही बोलना चाहूंगा, कभी ग्राइंड हमेशा करते रहो, कभी अपना लाइक मोरल डाउन मत होने देना एंड हमेशा अपने आप पर भरोसा रखना, ताकि इन केस आगे जाके आप लाइक सबका दिन आता है बेसिकली, हम भी यही मानते हैं, जैसे आज हमारा लाइक इतना नाम हो रहा है डेफिनेटली आपका भी कभी ना कभी होगा। कि सबका गन पावर अपने सेम लेवल का हो और जो सेम लेवल का होगा तो सेम कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है? तो मैं यही बोलना चाहूंगा, बस ग्राइंड करो, ठीक है, और प्रैक्टिस अपनी कस्टम्स, पेड कस्टम्स में बेस्ट होती है, पेड कस्टम खेलो, नॉर्मल कस्टम में फायदा ही नहीं है, मैं बोलना चाहूंगा, वो तो मारते हैं कंटेंट के लिए, सिर्फ पेड कस्टम खेलो, पैसा भी कमाओगे और तुम्हें जोन प्रेडिक्शन सब मारने पे सब अच्छा रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी टीम्स को ग्राइंड करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए ग्राइंड करते रहना चाहिए, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो सर आपकी वीडियो देख सकते हैं, मावी सर की वीडियो देख सकते हैं, घातक भाई हैं उनकी भी वीडियो देख सकते हैं, और अपना गेम में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करना चाहिए, स्प्रे वगैरह पे ध्यान देना चाहिए कि क्या सभी गन पे विदाउट अटैचमेंट और अटैचमेंट। सो ये था 4A's के साथ का सारा इंटरव्यू एंड काफी अच्छी अच्छी बातें हमने जानी, टीम सिनर्जी के बारे में बात करी कि अपने टीम को कैसे आप आगे लेकर जा सकते हैं, टीम गेम प्ले के बारे में बात करी, सारी की सारी चीजों के बारे में, बेस्ट इंटरव्यू में बोलना चाहूंगा कि अभी तक का रहा है। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम इस चीज के लिए एंड मे बी जस्ट मे बी हमें आप देखेंगे ट्रॉफी काफी आसपास तक जाते हुए, तो उसके लिए मैं बस एक चीज बोल सकता हूँ, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर दिस टाइम एंड लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो।